चलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि यहाँ से एग्जाम में एमसीक्यू आ रहे हैं 70+ मार्क्स। यहाँ दोस्तों एमसीक्यू के क्वेश्चन यहाँ इस वेबसाइट से आ रहे हैं। मैं आपको टॉप 3 वेबसाइट बताऊंगा, चाहे आपका बीटेक, बीफार्मा, एमबीए, सभी लोगों के लिए बताऊंगा। और अगर मैं वैसे तो मेरे पास 10 वेबसाइट से ज़्यादा ही है जहाँ से एमसीक्यू आ रहे हैं, बट मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। जब आप लोग इस वीडियो में अच्छा रिस्पांस दोगे, कम से कम वीडियो को शेयर करोगे, लाइक करोगे, अगर इसमें 150-150 से ज़्यादा लाइक आ जाएंगे तो मैं आप दूसरी वाली वीडियोस में बहुत विस्तार से और सारी वेबसाइट बताऊंगा। और दूसरी बात, इसमें कई सारे छात्रों का एग्ज़ाम्स में डाउट है कि UFM लगी है या नहीं, उनको वार्निंग आ जा रही है, 10-10 वार्निंग, 5-5, 6-6 वार्निंग, तो उनको डाउट है कि हमारा एग्ज़ाम्स भी पास हो जा रहा, वार्निंग भी आ रही, तो क्या UFM लग गई है या नहीं लगी है। यानी इसमें मैं यही बताऊंगा आपको MCQ कहां से आ रहे हैं, UFM लगी है या नहीं, कौन सी वेबसाइट से ज़्यादा MCQ आ रहे हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप कभी एग्ज़ाम्स है या फिर दे रहे हैं तो आपको ज़रूर इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखनी होगी और दोस्तों को ज़रूर शेयर करना आप लोग, ताकि अच्छा रिस्पॉन्स आएगा, फिर नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। मैं आपको ये स्क्रीन दिखा दूँ यार कि इसमें देखो छात्र कैसे, एक स्टूडेंट एग्ज़ाम दे रहा है और कैसे 4-5 लोग वहाँ पे साथ में खड़े हैं और कैमरा ऊपर है। तो यार इतना भी मत करो, आप लोग जो भी करो लिमिट में करो, क्योंकि यार इतना कहीं अगर एग्ज़ाम से ने बोल दिया रोटेट करने को, दिखाने को, तो फिर वो मैटर हो सकता है। तो इसलिए ज़रा सावधानी से करो जो भी करो। और चलते हैं फिर आगे। देखो कई सारे छात्र हैं, मैं एक दो कमेंट आपको दिखा दे। जैसे आयुष बंसल जी कह रहे कि सर मैंने एग्ज़ाम्स दिया था आज, तो मेरे को पूरे एग्ज़ाम्स में 15 वार्निंग आई, लास्ट में मैंने एग्ज़ाम सबमिट कर दिया, बट तो क्या मुझको डर लग रहा है कि मेरा UFM लगा है नहीं। देखिए उसके अलावा एक दो स्टूडेंट और हैं कि कई सारे इस तरीके से कमेंट कर रहे हैं कि भाई बता सकते हो कि 25 वार्निंग कंटिन्यू आ गई तो क्या UFM लग सकती है कि नहीं, किस लिए आई है। इस तरीके से कई सारे छात्र पूछ रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, आपके मन में भी यह सवाल होगा, तो चलिए मैं आपको बता दूँ। जैसे कि जैसे ये भी है, इनकी 10 वार्निंग आई। देखिए आपकी वार्निंग आने से बिल्कुल आपको डरना नहीं दोस्तों, आपको बिल्कुल बेझिझक एग्ज़ाम दीजिए। और आपको वार्निंग 1 आए 2 आए 3 आए 10 आए, यहाँ तक कि 25 वार्निंग भी आ जाए, 25 आ जाए, थोड़ा एक डर का माहौल हो सकता है, आपको डर होना भी चाहिए, बट कोशिश करिए जितनी भी वार्निंग है उसको आप लोग थोड़ा, अगर आप केयरफुल्ली बैठोगे तो पहली बात तो वार्निंग आएगी नहीं। केयरफुल्ली मतलब आप बिल्कुल सीधे बैठो, कहीं जो भी करना हो करो, बट हिलो डुलो नहीं, अपनी अपनी जो है फेस को इधर उधर मत करो। वार्निंग से UFM नहीं होती है, वार्निंग का मतलब UFM नहीं, क्योंकि मैंने एक टीवी में बात की थी तो वहाँ बताया था कि UFM जब अगर आपकी लग जाएगी तो उसका मतलब ये है कि एग्ज़ामिनर आपको वहाँ साफ साफ बताएगा। और दूसरी बात, UFM लगने के बाद आप एग्ज़ाम्स में लिख ही नहीं पाओगे। जैसे अगर आपको एग्ज़ामिनर को ये लगेगा कि आप कुछ इस तरीके से अनफेयर काम कर रहे हो, तो आपका UFM लगा देगा। और UFM जब लग जाएगा तो आप एग्ज़ाम्स कंटिन्यू नहीं दे पाओगे, क्योंकि UFM लगने के बाद जैसे यहाँ पे ऑफलाइन में होता था, आपकी कापी छीन ली जाती थी या फिर आपकी कापी को रद्द कर दिया जाता था, उसी तरीके से आपका एग्ज़ाम्स कैंसिल हो जाएगा UFM लगने पर। तो वार्निंग से आप लोग बिंदास एग्ज़ाम दो, कोई टेंशन नहीं, बट कोशिश करो कि वार्निंग भी ना आए। वैसे 20 वार्निंग तो 25 वार्निंग से कम रहे तो टेंशन नहीं, 25 वार्निंग के बाद आप लोग थोड़ा टेंशन हो जाना चाहिए, लेकिन तब भी टेंशन मत लो, वार्निंग से कुछ नहीं होगा। और दूसरी चीज़, वार्निंग क्यों आती है, कैमरा आपका बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होता फेस कैमरे के सामने, और बैकग्राउंड वॉइस अगर आएगी तो इस तरीके से वार्निंग आ सकती है, बाकी आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है। चलते हैं हम आगे, जो हमारी वेबसाइट कौन कौन सी टॉप वेबसाइट, MBA, BTEC और BPharma, तीनों के लिए बताऊँगा। वीडियो में पूरा ज़रूर बने दोस्तों। आपको जो हमारी स्क्रीन पे वेबसाइट दिख रही है, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट और आपको बहुत बेनिफिट और आपको बहुत अच्छा आएगा, मज़ा भी आएगा, इसलिए क्योंकि अभी तक जितनी वेबसाइट है जनरली वो वेबसाइट पे MCQ आपको यूनिट वाइज नहीं मिलेगा, लेकिन ये जो वेबसाइट है आप यहाँ से आपको यूनिट वाइज MCQ मिलेगा। और यहाँ से अगर आप प्रिपरेशन करोगे तो आपके 30+ MCQ एग्ज़ाम से में आ जाएंगे। और देखिए यहाँ से मैं आपको MCQ अगर आप यूनिट वाइज पढ़ते हो तो आपको समझ में भी आएगा कि आपने क्या पढ़ा है, कौन सी यूनिट नहीं पढ़ी है। देखिए हमने क्या सर्च किया, crazyworld.com, आपको इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में अपने दे दूंगा, ठीक है, इस वेबसाइट का लिंक। वहाँ से डिस्क्रिप्शन में अगर आप टेलीग्राम, इस डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसका लिंक टेलीग्राम पे दे दूँ, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में देने से प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम का, या फिर यूनिटी एक्टिव सर्च कर लेना, वहाँ से मिल जाएगा, क्योंकि आपका लिंक काम नहीं कर रहा हो तो यूनिटी एक्टिव सर्च करना मिल जाएगा। देखिए जैसे यहाँ पे ऑल यूनिट MCQ ऑफ डाटा कंप्रेशन, उस तरीके से यह बीटेक के लिए है, यानी बीटेक के जितने भी ये सब्जेक्ट है, मैक्सिमम सब्जेक्ट और सारे यूनिट जैसे यहाँ पे यूनिट वाइज मिल जाएगा। उसके बाद नीचे आपको तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और भी यूनिट वाइज, जैसे यूनिट 5 यूनिट 4, इस तरीके से आपको यूनिट 4 सॉफ्टवेयर का और उसके सॉफ्टवेयर का यूनिट 3, उस तरीके जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, जितने भी MCQ हैं, आपको सारे यूनिट वाइज मिल जाएंगे। ये है बीटेक के लिए। चलते हैं नेक्स्ट।
देखिए दोस्तों, आपके सामने जो ये स्क्रीन दिख रही है, यह है remixeducation.in। ये भी वेबसाइट बहुत ही मज़ेदार वेबसाइट है, खास करके फार्मा वालों के लिए, क्योंकि फार्मा वाले स्टूडेंट बहुत ज़्यादा परेशान थे, तो उनके लिए मैंने ये उनके लिए स्पेशल ये वीडियो है और ये वेबसाइट है, क्योंकि इसमें आपको अच्छे से अच्छे तरीके समझाया है। और इसमें आपका जो कि MCQ, जैसे आपको जो भी MCQ चाहिए ना, आप यहाँ पे आओ, सर्च करो, मैं इसका लिंक भी टेलीग्राम पे दे दूंगा, टेलीग्राम जाओ, ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आप, जैसे हमने फार्मास्यूटिकल के MCQ हमने सर्च कर लिया, तो यहाँ से सर्च करने के बाद आपके सामने जो है फार्मास्यूटिकल जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं सबका MCQ आपके सामने आ जाएगा। जो भी चाहिए आपको MCQ यहाँ से मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ से देखिए दिख रहा पूरा आपको टॉपिक वाइज में MCQ मिल जाएगा, जैसे मॉक टेस्ट भी मिल जाएगा, और यहाँ से आप उसको क्लिक करके सारे MCQ प्रिपरेशन कर सकते हो। और हाँ, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट MBA वालों के लिए, BTech का होगा, फार्मा का हो गया, MBA की बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे MBA वालों के लिए बायजूस वेबसाइट है, उस पर MCQ आपको मिलेंगे। तो देखिए यही 3-star वेबसाइट है जो टॉप है, जहाँ पे आपको प्रिपरेशन करने में भी आसानी होगी और आपके MCQ भी अच्छे तरीके से आ रहे हैं। पहला हमारा कौन सा होगा, BTech के लिए, हमने भी बता चुका BTech के लिए, और उसके अलावा deepcurrencyworld.com BTech के लिए है, और MBA के लिए क्या हो जाएगा, बायजूस हो जाएगा, उसके अलावा फार्मेसी के लिए remixeducation.in। ये तीन वेबसाइट अभी टॉप पे हैं। उसके अलावा हमने 8 से 9 वेबसाइट हमने कलेक्ट की है, जहाँ से MCQ के एग्जाम्स में आ रहे हैं। अगर आप वहाँ से आप प्रिपरेशन करोगे तो आपके सारे क्वेश्चन भी वहाँ से मिल जाएंगे और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छे से हो जाएगी। तो अगर आप लोग कमेंट करके बताओ कि हम वीडियो अपलोड करें, तो हमने वीडियो अपलोड कर देंगे इसके बाद, लेकिन यह है कि आप लोग लाइक करोगे और वीडियो शेयर करोगे तभी अपलोड होगी वीडियो। आप लोग कमेंट करके बताएं कि आप वीडियो अपलोड करनी चाहिए नहीं, लाइक करें। और UFM का अगर कोई डाउट हो या फिर BTech वगैरह से रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो आपका, UFM MCQ जो भी आप पूछ सकते हो कोई भी, और हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है।